रहे कि अभी तक 5 साल हो चुका है इस कोर्स में, अभी तक डिग्री नहीं मिला हम सबको। रो रहे कि अभी तक 5 साल हो चुका है इस कोर्स में, अभी तक डिग्री नहीं मिला हम सबको। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि हम कहाँ जाए मांग करने के लिए। बीसी सर से मांग करते हैं, आज 5 महीना 1 साल से मांग कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। रो रहे कि अभी तक 5 साल हो चुका है इस कोर्स में, अभी तक डिग्री नहीं मिला हम सबको। कहाँ जाएंगे, किससे मांग करें हम सब? बीसी सर से मांग करते कह रहे 1 साल और देख जाइए, 1 साल के बाद अगर 6 साल में रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा तो क्या हम कहीं को रह पाएंगे हम सब स्टूडेंट? 19-23 के स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? और 5 लाख रुपया लग चुका है, गरीब आदमी कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे, इस चीज़ को आगे पढ़ा पाएंगे? एक बोरा ढोने वाला का बेटा हूँ मैं, क्या ऐसा आगे पढ़ पाएंगे कोई भी? हमारे गांव में, हमारे टोला पे जो भी अभी हम सबसे ज़्यादा अभी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, और मेरा ही देखों से कोई भी आगे बढ़ेंगे। आजकल यहाँ भी हो रहा कि अगर वह पास किया तो हम भी पास करेंगे। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि हम कहाँ जाए मांग करने के लिए? बीसी सर से मांग करते हैं, आज 5 महीना 1 साल से मांग कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कह रहा डिग्री 1 साल के बाद देंगे, 1 साल के बाद। और चीटर बीपीएससी यहाँ 37 वर्ष फिक्स कर चुका है कि आप 37 वर्ष तक ही नौकरी ले पाइएगा। क्या हम सब नौकरी लेने के हकदार नहीं है? अगर मेरा एज इसी में चला जाएगा क्या मास्टर बन पाएंगे आगे इसी तरह से? गौतम सिंह के विचार के अनुसार इनका डेलीगेशन 5 सदस्यीय इन्होंने कहा प्रतिनिधि मंडल राजभवन जाकर वहाँ अपना ज्ञापन ये सौंपे हैं। बाकी शेष तरीके
प्रोसेशन आया है गौतम सिंह के, गौतम सिंह के विचार के अनुसार उनका डेलीगेशन 5 सदस्यीय इन्होंने कहा है, प्रतिनिधि मंडल राजभवन जाकर वहाँ अपना ज्ञापन ये सौंपे है। बाकी शेष बताया जा सर, क्या राज्यपाल आसान समझते अरे रुकते नहीं हो, राज्यपाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री प्रस्ताव आवेदन दिया था, यहाँ से मिलने का अगर समय नहीं दिया गया तो हर किसी का ताकत भी तुम लोग है, इसलिए सड़क पर तुमको वहाँ प्रतिबंध वो छोड़ो ना, हमको नहीं मिलेंगे तो जबरदस्ती, अरे तो जबरदस्ती नहीं मिलेगा, चलिए हटिए जबरदस्ती, वो सब बात बंद करो, चलना है कि नहीं, चलिए आप नहीं चलेगा, दो बात बोलिए, ये हम नहीं जानते, वो जानते हैं चांसलर, एफ आई आर करो सब करेंगे, लाठीचार्ज भी करेंगे, एफ आई आर भी, चलो पुलिस बल आपका 5-10 करेंगे, देखो हमारी बातचीत हुई है, हमें अपना पक्ष रखने सर सर क्या क्या मांगे सर, अरे विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्रों की जो मांग है, जो ये लोग चाहते हैं वो इनके अनुसार पूरी नहीं हो रही है, इसी के विरोध में ये लोग जुलूस निकाले हैं, उनको हम लोगों ने रोक दिया है, आगे प्रतिबंधित क्षेत्र है, जाने जा सकते, राजभवन जाने की ये हमारे साथ डेलीगेशन इनका जाएगा, ये देखिए तो राजभवन जाने की मांग कर रहे हैं ये छात्र, ये बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और इनका जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से छात्र संघ एक गुट बना करके बिहार छात्र संघ का, और ये सभी पटना के सड़कों पर हैं और देखिए जो विधि व्यवस्था है उसे बनाने की कोशिश की जा रही है, आप देखेंगे किस तरीके से डेलीगेशन की टीम जा रही है, उनसे मुलाकात होगी, राज्यपाल से मिलेंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे, क्या कुछ होता है उस पर हमारी निगाहें रहेंगी, फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है, ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था, हमने जो बनाया है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना, और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है, आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है, लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है, ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है, वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ, ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है, ई होम्स पैनोरमा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।